आइए अब चलते हैं यूपी के संभल, जहां पर शराब की दुकान का ताला खोलते समय एक सेल्समैन को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। किसी तरह खुद को बचाकर सेल्समैन पुलिस चौकी में जा घुसा, लेकिन यहां पर भी भीड़ और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। भीड़ में खड़े किसी व्यक्ति ने पिटाई का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, मामला चंदौसी कोतवाली के मुरादाबाद गेट का है। यहाँ एक देसी शराब का ठेका खोलने के लिए जब सेल्समैन पहुंचा तो ताले में चाबी नहीं लग पाई। इसके बाद सेल्समैन ने ताले को तोड़कर दुकान खोलने का प्रयास किया, लेकिन इस बीच वहां मौजूद लोगों की भीड़ ने सेल्समैन को पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आज मुरादाबाद गेट के पास देसी शराब की दुकान थी, उसमें पूर्व में जो आदेश निर्गत हुआ था कि शराब की दुकान नहीं खोली गई, इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने वहाँ पे प्रशासन ने उसमें अपना ताला भी डाल दिया था और उसको सील कर दिया था। जब वो सेल्समैन गया ताला खोलने तो उसकी चाबी नहीं लग पाई, इसके वजह में वो अपना ताला तोड़ रहा था, तो वहीं अगल बगल के लोग पहुँच गए और सेल्समैन को मारने लगे। सेल्समैन भगा पुलिस के पास, पुलिस तुरंत पहुँची है और तीन लोगों को उसने तुरंत उठा लिया है और कोतवाली लाकर उस पर विधिक कार्रवाई, मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, पुलिस के साथ भी वसूली की गई है? हाँ, उसका मुकदमा भी दर्ज होगा, जिन्होंने ऐसा किया है उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई, कड़ी कार्रवाई की जाएगी।